वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को एंड इस बार ग्राफ में वन यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट करती है ट्वेंटी बुक्स को फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन डज द बार ग्राफ रिप्रेजेंट सो इस बार ग्राफ में अब क्या इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की गई है नंबर ऑफ बुक्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन अ लाइब्रेरी सो यही इस क्वेश्चन का आंसर है number of books of different subjects in a library okay second question hai what is the scale chosen for this graph सो so, ग्राफ के स्केल का क्या मतलब होता है कि उस ग्राफ में वन यूनिट लेंथ क्या रिप्रेजेंट करती है अब यहां पर गिवन है वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू ट्वेंटी बुक्स सो दिस इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ सो वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू ट्वेंटी बुक्स या आप सीधा लिख लो वन यूनिट इज इक्वल टू ट्वेंटी बुक्स थर्ड क्वेश्चन है विच सब्जेक्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स एंड हाउ मैनी कौन से सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा बुक्स है एंड कितनी बुक्स है सो so, इसके लिए हमने यहां पर देखना है कि कौन से सब्जेक्ट का बार लॉन्गेस्ट है सो so, यहां पर देखो इस बारग्राफ में कंप्यूटर का जो बार है दिस इज लॉन्गेस्ट बार ठीक है बाकी के सारे बार्स कंप्यूटर के बार से छोटे हैं सो दैट मीन्स कंप्यूटर की बुक्स सबसे ज्यादा हैं, सो so, यहां पर हम सब्जेक्ट नेम लिख देंगे कंप्यूटर अब हम देखेंगे कि कंप्यूटर की कितनी बुक्स हैं। सो कंप्यूटर का जो बार है वो यहां हॉरिजोंटल लाइन पे टेन की मार्किंग को पॉइंट कर रहा है सो so, यहां पर हॉरिजोंटल लाइन पे वन की मार्किंग रिप्रेजेंट करती है 20 बुक्स को बिकॉज वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू ट्वेंटी बुक्स सो टेन की मार्किंग कितने नंबर ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट करेगी टेन मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी सो दैट मीनस टेन की मार्किंग रिप्रेजेंट करेगी टू हंड्रेड बुक्स को ठीक है सो so यहां पर हम लिख देंगे टू हंड्रेड बुक्स ओके सो कंप्यूटर की है सबसे ज्यादा बुक्स एंड बुक्स कितनी है टू हंड्रेड फोर्थ क्वेश्चन है ट हैज मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स एंड हाउ मैनी कौन से सब्जेक्ट की सबसे कम बुक्स है एंड कितनी बुक्स है सो so, इसके लिए हमने देखना है कि कौन से सब्जेक्ट का बार शॉर्टेस्ट है सो so, यहां पर देखो शॉर्टेस्ट बार कौन से सब्जेक्ट का है सोशल साइंस का सो सब्जेक्ट नेम यहां पर आ जाएगा सोशल साइंस अब हम देखेंगे कि सोशल साइंस की कितनी बुक्स हैं। सो सोशल साइंस का जो बार है वो यहां हॉरिजोटल लाइन पे थ्री की मार्किंग को पॉइंट कर रहा है सो so, थ्री की मार्किंग कितने नंबर ऑफ बुक्स को रिप्रेजेंट करेगी थ्री मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी बिकॉज वन यूनिट लेंथ इज इक्वल टू ट्वेंटी बुक्स सो थ्री इंटू ट्वेंटी इज सिक्सटी सो यहां पर हम लिख देंगे सिक्सटी बुक्स Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.